बीए पाठ तृतीय के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, द्वितीय प्रश्न पत्र में आज मैं आपको जिस विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं वह है रस, रस की परिभाषा, रस का स्वरूप और रस के अवयव, भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। इनके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे। आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, पिछले व्याख्यान में हमने ग्रति तक का यहां पर मालूम किया, आज हम उसके आगे आलस्य जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आलस्य, प्रिय विद्यार्थियों, श्रम, गर्भ और व्याधि के कारण जड़ता की जो मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है हम उसे क्या कहते हैं? आलस्य कहते हैं। आलस्य भी एक शारीरिक अवस्था होती है। अत्यधिक तृप्ति एवं रोग भोग आदि के कारण काम न करने की चित्तवृत्ति ही आलस्य है। भरत मुनि के अनुसार आलस्य की उत्पत्ति व्याधि, गर्भ, परिश्रम, बीमारी आदि विभावों के द्वारा होती है। वस्तुतः नीच व्यक्तियों एवं स्त्रियों की उद्यमहीनता को आलस्य कहते हैं। जम्हाइयां लेना, बैठे रहना, लेटे रहना, मलिन रहना आदि इसके अनुभव हैं। अंगरात जमुहात नहीं उठत बने प्रभात, ये इसका उदाहरण है। इसके आगे हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है विषाद। उपायों के अभाव के कारण जो हतोत्साह या निराशा उत्पन्न होती है उसे हम विषाद कहते हैं। अर्थात अभिष्ट अर्थ की असफलता अथवा राजा गुरु आदि के प्रति किए गए अपराध से उत्पन्न मानसिक अनुताप ही विषाद है। विश्वनाथ उपाय के अभाव में पुरुषार्थहीनता, सत्व संचय को ही विषाद कहते हैं। सामान्य जीवन में असफलता के कारण आदमी के निराश हो जाने के भाव को विषाद या गोड़े टूटना कहा जाता है। इसमें आहें भरना, सहायक को खोजने को प्रयास करना, भाग्य को बुरा कहना, यानी मेरा तो भाग्य ही बुरा था, हम भाग्य को कोसने लग जाते हैं आदि इसके अनुभव माने गए हैं। जो जहे सुने धुनई सी रसोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। फिर इसके तत्पश्चात हम लेते हैं मति। मति का तात्पर्य होता है बुद्धि। किसी तथ्य या वस्तु का यथार्थ ज्ञान या नीति मार्ग के अनुकूल आत्मनिश्चय कर लेना ही क्या है? मति है, बुद्धि है। अर्थात शास्त्र ज्ञान और नीति शास्त्र का अनुगमन कर भ्रम का निवारण करना ही क्या माना गया है? मति माना गया है। विश्वनाथ वस्तु तत्व के निश्चय को मति कहते हैं और नाट्य दर्पणकार भ्रम के नाश को मति की संज्ञा प्रदान करते हैं। जहां हमारे भ्रम का नाश हो जाता है वहां किसका उदय होता है? मति का। वस्तुतः वास्तविकता को पहचान लेना ही मति है और इसमें अर्थ निर्णय करना, शिष्यों को उपदेश देना, नीति शास्त्रों को अध्ययन करना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। अचूत तब उपदेश सो, मोह गयो सब सोई, भाग्यो संशय अब हरे, करिहो 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 कहियो सोई, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। फिर हम इसके आगे चिंता करेंगे। चिंता, चिंता अनुभव। इष्ट वस्तु की अप्राप्ति से उसे प्राप्त करने के लिए चित्त की विफलता को चिंता कहते हैं और हित की अप्राप्ति तथा अनिष्ट की प्राप्ति से उत्पन्न ध्यान नामक चित्त वृत्ति को चिंता कहा जाता है। स्वयं प्रसाद जी ने स्वर्गीय प्रसाद जी ने इसे अभाव की चपल बालिका कहा है। निश्चय ही चिंता का आविर्भाव अभाव की स्थिति में ही होता है, क्योंकि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद के द्वारा अपना एक महत्वपूर्ण महाकाव्य रचित किया गया जिसको हम कामायनी के नाम से जानते हैं और उसके अंतर्गत जो उन्होंने सर्ग लिए उन सर्गों में एक महत्वपूर्ण सर्ग माना गया है चिंता। उस चिंता के सर्ग के आधार पर ही उन्होंने इसका अनुभव ऐसा बताया है। आगे जैसे वस्तुतः दरिद्रता,
जैसा इसके लिए कहा गया है कि निश्चय ही चिंता का आविर्भाव अभाव की स्थिति में ही होता है। अभाव की स्थिति में ही क्या होता है, चिंता होती है। और वस्तुतः दरिद्रता, अभाव, हित साधन के लिए ध्यान निमग्न हो जाना ही चिंता के सूचक माने गए हैं। आकृति में फीकापन आना, अपने में खोए रहना, जैसे अपने आप में ही खोए हुए रहना, निमग्न हो जाना ही चिंता के सूचक माने गए हैं। आकृति में फीकापन आना, अपने में खोए रहना, पृथ्वी पर रेखाएं खींचना और मुख का झुक जाना, गुमसुम रहना आदि इसके अनुभव माने गए हैं या होते हैं। जैसे हम साहित्य में एक दोहा या पद पढ़ते हैं और वो दोहा और पद इस तरह से है कि संदेशो देवकी सो कहियो, हूं तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। ये मया नहीं है, दया है, दया करत ही रहियो। यद्यपि देव जानत तुम उनकी, मऊ मोही तऊ मोही कही आवे, प्रातः उठत तिहारे कान को माखन रोटी भावे। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण कहा गया है चिंता का। अब है जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, मोह है, भय, वियोग, दुख आदि के चित्त विक्षेप के कारण यथार्थ ज्ञान खो जाने की इसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। और इसमें वस्तु के यथार्थ ज्ञान का अभाव रहता है। धनंजय चित्त की अस्त व्यस्तता को मोह कहते हैं। विश्वनाथ चित्त की व्याकुलता को मोह कहते हैं। आकस्मिक दुर्घटना, विपत्तियों का आगमन, पूर्व शत्रु का स्मरण आदि इसके कारण हो सकते हैं या होते हैं। इंद्रियों का चेष्टा, शून्य होना, निर्णय लेने की शक्ति का अभाव हो जाना, नीचे की ओर देखना, किसी वस्तु को अच्छी तरह से नहीं देख पाना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। विरह महानर विकल ही है, पिए पिए कही बिल खाही, आए हूं पिए के निकट तिए पहचानत नाही। ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण कहा जा सकता है। आगे हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्वप्न। निद्रा में डूबे व्यक्ति के विषय अनुभव का नाम ही क्या है, स्वप्न है। और भारतीय आचार्यों के अनुसार निद्रा में निमग्न व्यक्ति द्वारा विषयों को अनुभव ही, विषयों का अनुभव करना ही स्वप्न माना गया है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार उपचेतन मन में स्थित दमित भावनाओं का नींद में प्रत्यक्ष हो जाना ही क्या माना गया है, स्वप्न माना गया है। स्वप्न सुखात्मक भी होते हैं, दुखात्मक भी होते हैं, सुख देने वाले भी होते हैं, दुख देने वाले भी होते हैं। रोमांचित हो जाना, बाग बाग होना, घबरा जाना, प्रलाप करने लगना, सहसा उठ बैठना, यहाँ तक कि चिल्लाने लगना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। लाग गई पल के पल सो, पल लागत ही पल में पिए आए, ये इसका उदाहरण मानेंगे। इसके आगे हम जिस अनुभव की चर्चा करने जा रहे हैं वो है विबोध। विबोध निद्रा दूर करने वाले कारणों से या अज्ञान मिटने से सचेत होने का नाम ही क्या है, विबोध। निद्रा भंग या अज्ञान के दूर होने के पश्चात प्राप्त चैतन्य ही विबोध संचारी भाव है और कुछ आचार्य इसे प्रबोध भी कहते हैं। संस्कृत के प्रायः समस्त आचार्यों ने निद्रा के पश्चात जगने की स्थिति को विबोध की संज्ञा दी है। भरत के अनुसार भोजन के दुष्परिणाम, दुस्वप्न, तीव्र शब्द का श्रवण या स्पर्श आदि के कारण विबोध की उत्पत्ति होती है। जम्हाई लेना, अंगड़ाई तोड़ना, आंखें मलना, मुख के सामने चुटकी बजाना, शरीर का मर्दन करना और बिछोने से उठ बैठना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। इसका जो उदाहरण हम मानेंगे वो उदाहरण हम कौन सा मान सकते हैं कि कुंज भवन तज भवन को चलिए नंद किशोर, फूलती कली गुलाब की चटका हट चहुओर। यानी हे नंद किशोर, आप अपने कुंज भवन को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और यहाँ से सीधे उठ करके कहाँ चले आइए, जहाँ बिल्कुल गुलाब के फूलों की जो कलियाँ चटक रही है और उनकी चटकाहट जहाँ चारों ओर सुनाई दे रही है। ये इसका हम श्रेष्ठ उदाहरण यहाँ मान सकते हैं। अब इसके आगे हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है स्मृति। सादृश्य ज्ञान से पहले के अनुभूत सुख दुखादि आदि विषयों का स्मरण ही क्या कहलाता है, स्मृति कहलाता है। पूर्वानुभूत वस्तु के आधार पर तत्
तत्सदृश्य वस्तु का ज्ञान अथवा तत्सदृश्य वस्तु के आधार पर पूर्वानुभूति वस्तु का याद आना ही स्मृति संचारी भाव कहलाता है। जैसे संस्कार जन्य पदार्थों को भी हम स्मृति कहते हैं। यह चिंता या सादृश्य के ज्ञान के कारण उत्पन्न होती है और सिर का कांपना, बहों को ऊपर नीचे करना, उस वस्तु का व्यक्ति की ओर बार बार देखना, निश्चल होना, प्रसन्नता या अप्रसन्नता को प्रकट करना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। जैसे उत्तर दिशा को देखकर याद सहसा उत्तरा की आई, ये इसका उदाहरण माना जा सकता है। आगे हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है अमर्ष। निंदा अपमान आदि के कारण गर्जन तर्जन अमर्ष कहलाता है और इसमें मानसिक कुड़न और गर्व की भावना अधिक रहती है। प्रतिरोध लेने की भावना का नाम ही अमर्ष है। किसी व्यक्ति द्वारा अपमानित होने या उसके द्वारा किए गए किसी प्रकार के अपराध के कारण उससे बदला लेने के कठोर भावना का उदित होना ही अमर्ष कहलाता है। यह असहिष्णुता नामक चित्तवृत्ति की ही होती है। जैसे आंखें लाल हो जाना, बहों का चढ़ जाना, मौन हो जाना या कठोर वचनों का प्रयोग प्रारंभ कर देना, धमकी दे डालना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। अनेक बार तो हाथ भी उठा लिया जाता है और शरीर में कंपन भी होने लग जाता है। उदाहरण मानेंगे, रे बालक काल बस बोलत नाही संभाल। इसके बारे आगे हम चर्चा करेंगे गर्व की, गर्व अनुभव की। रूप धन विद्या बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान गर्व है। अर्थात बल विद्या संपत्ति रूप आदि के आधिक्य के कारण अपने आप को दूसरों से अधिक समझने लगना ही गर्व संचारी भाव कहलाता है। और भरत के मत से गर्व की उत्पत्ति ऐश्वर्य कुल रूप यौवन विद्या बल धन आदि के आधिक्य के कारण होती है। जब व्यक्ति के पास में इनकी अधिकता हो जाती है तो गर्व आना बहुत निश्चित है। दूसरों का तिरस्कार करना, किसी के कथन पर ध्यान नहीं देना, अवज्ञा करना, अभिनय दिखाना, पूछने पर भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना और दूसरों की खिल्ली उड़ाना, शरीर को निरक्त रहना, कठोर वचन बोलना, वृद्ध एवं गुरुजनों तक का अनादर कर देना आदि इसके अनुभव माने गए हैं। उदाहरण लेंगे, हे सारथे हे द्रोण क्या आमे स्वयं देवेंद्र भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी। ये गर्व बोल रहा है तो ये गर्व का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जा सकता है। इसके आगे हम जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है औत्सुक्य। किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति, इष्ट कार्य की तात्कालिक सिद्धि की प्रबल इच्छा, उत्सुकता अभीष्ट को प्राप्त करने की उत्कृष्ट अभिलाषा का नाम ही औत्सुक्य उत्सुकता है। इसमें विलंब न सह सकने की भावना प्रबल होती है। मुझे अभीष्ट वस्तु तुरंत प्राप्त हो जाए का भाव प्रबल रहता है। रामचंद्र गुणचंद्र ने प्रिय वस्तु के स्मरण के कारण अभीष्ट के प्रति अत्यंत शीघ्रता से अभिमुख होने को उत्सुक्य कहा है। लंबी लंबी सांसों का लेना, नीचे मुख कर लेना, चिंता भी मुख हो जाना, अभीष्ट वस्तु का बार बार स्मरण करना, कार्यों में त्वरा आ जाना, हृदय की गति का बढ़ जाना, स्वेद आ जाना, पसीना आ जाना, हड़बड़ाहट का प्रयोग होना, प्रकट होना, निद्रा तंद्रा एवं शयन की अभिलाषा करना इसके अनुभव कहे जा सकते हैं। और उदाहरण हम लेंगे, पपीहा जो प्यू प्यू करो कबरे मिलहूंगे राम, इसका औत्सुक्यता का उदाहरण माना जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे अवहितता। अवहितता भय गौरव लज्जा आदि से उत्पन्न हर्षादि के भावों की चतुराई के छिपाने को नाम अवहितता कहा गया है। और स्वरूप का अर्थ होता है अपने स्वरूप को छिपाना। भय गौरव लज्जादि के कारण हर्ष के आधार आकार को छुपाना अवहितता कहलाता है। और भरत मुनि के अनुसार भय लज्जा पराजय गौरव वक्रता आदि भावों के कारण इसकी उत्पत्ति होती है। और संबंध विषय को काटकर अन्य विषय पर बातें करना प्रारंभ कर देना, सिर को नीचा कर लेना, दूसरी ओर देखने लग जाना, निरुद्देश किसी अन्य कार्य में लग जाना और उठकर चल पड़ना, कृत्रिम धैर्य का प्रदर्शन करना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। ललन चलन सुनी पलन पलन में आंसुआ झलके आए, गई लखाए न सकी न हूं झूठे ही जम आए, ये इसका श्रेष्ठ उदाहरण माना गया है। फिर इसके बाद हम लेंगे दैन्य। दुख दरिद्रता आदि से उत्पन्न अपनी हीनता का भाव दैन्य है। अर्थात दुख विपत्ति दरिद्रता या आपराधिक प्रवृत्ति के कारण अपने प्रति हीन भावना का प्रदर्शन ही दैन्य संचारी भाव कहलाता है। धनंजय के अनुसार दरिद्रता एवं अपमान आदि के कारण उत्पन्न कांतिहीनता दैन्य है, जबकि रामचंद्र गुणचंद्र आपत्ति के कारण उत्पन्न मन की व्याकुलता को दैन्य कहते हैं।
चेहरे पर मलिनता का आ जाना, अपने हीन भाव का कथन करना, मुख को कपड़े से ढक लेना, दूसरों के सामने बोलने या निकलने में लज्जा का अनुभव करना आदि इसके अनुभव माने जा सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। मौसम यानी मेरे समान इस दुनिया में कौन कुटिल खल कामी, पापी नीच और दुष्ट दुष्कर्मी व्यक्ति और कौन हो सकता है। ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपसे अन्य जो अनुभव है उनके बारे में आपसे विस्तृत रूप में चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।